नमस्कार दोस्तों, आइए आज बताता हूँ आपको जे गुरुजी एप्लीकेशन में स्कूल लॉगिन के लिए यदि पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करें। रजिस्टर तो आप एक तरह से हो ही गए हैं जब गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज़ कर दिया है ई विद्यावाहिनी एप्लीकेशन पर लॉगिन करने के लिए। तो जो ई विद्यावाहिनी में एप्लीकेशन में या फिर सॉफ्टवेयर में जो आप लॉगिन करते हैं उसमें क्या डालते हैं, यू डैश कोड, तो वही आपका यूज़र आईडी है। पासवर्ड यदि आप भूल गए तो फिर कैसे प्राप्त करें, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप क्या करें, एप्लीकेशन जो जे गुरुजी एप्लीकेशन है उसको आप क्लिक करें। क्लिक करने पर इस तरह से एक पेज दिखेगा, फिर आप नीचे आएँ। नीचे में आप यहाँ आकर के सबसे पहले सेलेक्ट करें, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने पर क्या दिखेगा, आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी, इसमें से आपको स्कूल एडमिन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप नीचे आ जाएं, नीचे में आप दिखेगा फॉरगेट या रीसेट पासवर्ड, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको लिखेगा कि प्लीज़ यूज़ ई विद्यावाहिनी पोर्टल फॉर पासवर्ड रीसेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे चलेंगे क्रोम ब्राउज़र और क्रोम ब्राउज़र में जाकर लिखेंगे ई विद्यावाहिनी देखिए ई विद्यावाहिनी .jharkhand.gov.in इतना लिखेंगे और उसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद इस तरह से कुछ पेज आएगा। पेज आने पर यहाँ हम लोग ई विद्यावाहिनी EVV लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा। यहाँ पे कई सारी चीज़ें डालने का है, यहाँ स्कूल, यहाँ यूज, ये यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। यदि पासवर्ड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो यहाँ ये सब चीज़ें हम डाल देंगे। देखिए हमने यूज़र टाइप, तो आप स्कूल चुन लें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें और जो यूज़र आईडी है वो दे दें, पासवर्ड दे दें। मालूम है तो, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मालूम तो है ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुझे फॉरगेट पासवर्ड पर जाना है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड कहाँ है, फॉरगेट पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड इस जगह है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से कुछ पूछेगा, सेलेक्ट यूज़र टाइप, और फिर से आप यहाँ पर स्कूल यूज़र टाइप और अपना यूज़र आईडी जो है वो डाल दें, और यहाँ पे आपको ईमेल चाहिए या फिर एसएमएस जाना है आपको, ओटीपी वो चाहिए, मतलब स्कूल का जो यूज़र आईडी आपने दिया होगा वो उस पर जाएगा ईमेल, ईमेल आईडी पर, यानी तो जो प्रिंसिपल का जो मोबाइल नंबर है वो एसएमएस के रूप में वहाँ पे ओटीपी जाएगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यूज़र टाइप हमने ऑफिसर चुन दिया, तो यहाँ हम स्कूल चुन लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्कूल चुनने के बाद इन यूज़र आईडी डालेंगे। चलिए हमने यूज़र आईडी डाल दिया। अब जो है आपको ईमेल पर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एसएमएस पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों जगह पे आपको ओटीपी जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट बटन को क्लिक कर दें, ओटीपी सेंड हो गया। ये जो ओटीपी यहाँ डालने के बाद आप उसको एक बटन यहाँ जो दिख रहा है आपको वेरीफाई का, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा और आपको बोलेगा कि आप नया पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो आप कुछ भी अपना नया पासवर्ड एक बढ़िया सा आप चुन सकते हैं, उसको आप लॉगिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वही जे गुरुजी एप्लीकेशन में आपको यूज़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। अब आप जे गुरुजी ऐप या फिर ई विद्यावाहिनी एप्लीकेशन दोनों जगह पे आप अपना लॉगिन कर सकते हैं यूज़र आईडी के रूप में, यू डैश कोड डाल करके और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, कोई इसमें पैसा नहीं लगता है ना, कुछ सेकंड का समय लगेगा। और यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के फिर से कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।